देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए ब्रिजेश पांडे। सिद्धार्थनगर में क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने एकजुट होकर खंड विकास अधिकारी को मनरेगा कार्य को संचालित करने को लेकर ज्ञापन सौंपा और साथ में ब्लॉक परिसर में जमकर नारेबाजी की। सदस्यों का आरोप है कि वीडियो द्वारा मनरेगा को संचालित न करके अपने नैतिक जिम्मेदारियों के साथ शासन देश का भी उल्लंघन किया जाए। क्षेत्र पंचायत में मनरेगा की संचालित को लेकर खंड विकास अधिकारियों द्वारा अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से न कर पाना शिथिलता के कारण आज हम क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रदेश व्यापी कार्यक्रम को लेकर आज उसका ब्लॉक से शुरू किए हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा भी एक ज्ञापन दिया गया है, उसमें लोगों के द्वारा मनरेगा में काम कराने के लिए इच्छा जाहिर की गई है। उसका प्रस्ताव पहले भी प्राप्त हो चुका है हमको और वो प्रस्ताव संबंधित सचिवों को दे दिया गया है ताकि उस पर अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत से लिया जा सके। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए अंकित शर्मा की शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर में गौकशो और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से हुई फायरिंग में एक सिपाही और तीन गौकश घायल हो गए। पुलिस ने घायल सिपाही और गौकशो को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया जबकि इनके एक साथी को पुलिस ने सही सलामत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घायल सिपाही और गौकशो को उपचार के लिए CSC भेजा और फिर जिला अस्पताल रेफर किया। ये इंस्पेक्टर तेलर को सूचना प्राप्त हुई कि गौकशों का एक गैंग है जो गांव गुरगिया बहादुरपुर की तरफ गया है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर तेलहर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो वहां कुछ बदमाश थे जो एक गौवंश को काटने की फिराक में थे। पुलिस ने उनको ललकारा, उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस ने उनको चेतावनी दी, आत्मसमर्पण के लिए कहा लेकिन उनके द्वारा फिर फायर किया गया जो एक कांस्टेबल अवनीश बार के हाथ में लगा जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की जिसमें तीन अभियुक्तों के गोली लगी जिसमें वो घायल हो गए। उनको उपचार हेतु CSC भेजा गया है। पूछताछ पर उन्होंने बताया कि इससे पहले संडे को जो घटना हुई थी वो इनके द्वारा ही की गई थी। इनका एक गौकश का गैंग है, बड़ा गैंग है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए अमित शर्मा की। पिछले 48 घंटे से गौरक्षकों द्वारा चलाए जा रहे अभियान में अब तक करीब 50 गौवंश मृत पाए गए हैं जिनका JCP की मदद से अंतिम संस्कार किया गया। वहीं इस दौरान कई गौवंश घायल अवस्था में भी पाए गए जिनका उपचार गौरक्षकों द्वारा किया जा रहा है। गौरक्षक अभिषेक ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि जो दुर्दशा इस गांव की गौशाला में छापे के दौरान इन्हें देखने को मिली है वो दुर्दशा आज तक उन्होंने कभी नहीं देखी। गौशाला के संचालकों के खिलाफ उन्होंने थाना मार्ट में तहरीर भी दी है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग ये उधर गांव में इसकी स्थिति यह है कि 50 गौवंश कम से कम कल 48 घंटे से ये रेस्क्यू चल रहा है। गौरक्षकों द्वारा कम से कम 40-50 गौवंश मृतक पाया गया जिसको तुरंत JCB से हमारे सामने ही गाड़ा गया। उसकी वीडियो है और कई सारे कंकाल गौ के जमीन पर पड़े थे, सर पड़े थे और कुछ जिंदा गायों को जिनके पैरों में घाव थे उनको कुत्ते खींच के ले जा रहे थे और भी बहुत मतलब बहुत बुरी गति देखा नहीं जा रहा था। और यहाँ से तहसीलदार साहब भी पहुँचे थे, वो भी देख के थोड़ा सा उनको देखा नहीं गया और प्रशासन के व्यक्ति भी जो अधिकारी हैं आला अधिकारी वो सब वहाँ से वापस हुए देख के। फिर उसके बाद हम रात में वहाँ रुके तो रात में हमने 3 बजे फिर वहाँ देखा तो वहाँ पर शराब पी रहे थे कुछ लोग जो वहाँ की सेवा कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं और शराब भारी रखी थी, उसकी वीडियो भी है। और एक गाय के बच्चा हुआ था उसको कुत्ते पीछे से खींच रहे थे, वो वीडियो में आया है और वीडियो इतनी भयानक है। शायद मैंने अपने जीवन में 1.5-2 साल से लगातार खतरनाक से खतरनाक रेस्क्यू किए हैं, या बाढ़ आपदा हो या तस्कर हो या ट्रक हो और भी कई गौशालाओं पर छापे मारे हैं पर इससे ज़्यादा भयंकर स्थिति आज तक नहीं देखी है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए ब्रिजेश पांडे की। सिद्धार्थनगर से नगर पालिका परिषद में एक महिला ने अपनी 6 महीने की बच्ची को लेकर राप्ती नदी में छलांग लगा दी जिसमें वो खुद तो बच गई लेकिन बच्ची की मौत हो गई जिसकी लाश अभी तक नहीं मिल पाई है। वहीं पति पत्नी में अब तक तनाव बना हुआ है। हैवानियत का दर्श देने वाली माँ को उसकी अम्मा ने भी अपने साथ रखने से मना कर दिया। अच्छा, आपकी बीवी नदी में बच्ची को लेकर छलांग मार दी, उस वक्त आप कहाँ थे? हम पंजाब थे, बाहर थे। तो और कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का। तो अभी आपकी बीवी माफ़ी मांग रही है, गलती हो गया उससे, तो उसको आप अपने साथ रखना चाहते हैं? हम नहीं रखना चाहते हैं। क्या खतरा लग रहा है आपको? हमें खतरा बहुत है। जैसे कैसे कि अभी तो एक बच्ची तो ले ली, फिर भी बोल रही कि दोनों को लेके जाऊंगा। हाँ, घर पे कोई ना रहे बाई चांस,
तो फिर भी इसके भी लेके चली जाएगी भाई। हमारे दिमाग में घुस गए तब कूद गए लेके। आपके पति ने कहा था कि जाओ मर जाओ? पति नहीं जानता। पति नहीं जानते? नहीं। तो किसने कहा कि जाके मर जाओ? दिमाग मर गया बस कूद गए। किसी ने कहा नहीं? नहीं। मथुरा से देखिए अमित शर्मा की अगली खबर। गाँव छठ के पावन अवसर पर भगवान बलभद्र का भव्य प्राकट्य उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें दूध दही शक्करा घी शहद आदि के साथ साथ जड़ी बूटियों के साथ भगवान बलभद्र जी का महाअभिषेक किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मंदिर के सेवायत आचार्य दीपक गोस्वामी ने बताया कि श्री धाम वृंदावन में ये विग्रह अत्यंत प्राचीन विग्रह है। दाऊ जी महाराज का भव्य फूल बंगला और छप्पन भोग के दर्शन हुए। भक्तों ने दर्शन कर अपने आप को भाग्यशाली महसूस किया। आज दाऊ जी का जन्मोत्सव, आज दाऊ जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और अनाज मंडी स्थित बड़े दाऊ जी महाराज के मंदिर में आज बड़े ही हर्षोल्लास से जो है जन्मोत्सव मनाया गया है। ये जो दाऊ जी की विग्रह है ये गोविंद देव जी के साथ में प्रकट हैं, जो गोमा टीला से गोविंद देव जी यहाँ से प्रकट हुए थे वहीं से ये गोविंद जी के साथ प्रकट हुए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, देखिए गोंडा से आलोक तिवारी। पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल द्वारा जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने 140 अदद एल्प्रोजम टैबलेट और 1235 रुपए नगद के साथ एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। और अगली खबर की ओर देखिए, आलोक तिवारी। जय हिंद परिषद के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार सिंह के नेतृत्व में क्षेत्रीय किसानों की धरना और किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें क्रय केंद्र बंदवा नियामतपुर रामपुर 8 वजीरगंज को बजाज चीनी मिल से हटाकर 14 दिन में पेमेंट करने वाली किसी भी चीनी मिल को अलर्ट करने का निवेदन किया गया। किसान महापंचायत में किसानों ने मुख्यमंत्री को 6 सूत्री मांग का ज्ञापन तहसीलदार अंकुर वर्मा को सौंपा। इस दौरान किसान महापंचायत में निम्नलिखित फैसला लिया गया, जिनमें बजाज चीनी मिल को पैसा नहीं दिया गया तो गन्ना नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा 14 दिन में पेमेंट देने वाली मनकापुर चीनी मिल और अन्य चीनी मिल को अलॉट करने की मांग, नवाबगंज गन्ना समिति के द्वारा फर्जी प्रस्ताव को रद्द करने और क्रय केंद्र पर खुली बैठक करना, गन्ना मूल्य हड़पने का मुकदमा जीएम जीएम केन सीडीओ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करना, इसके अलावा गन्ना किसानों का भुगतान 1 साल का ब्याज सहित किए जाने और गन्ने का रेट 400 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया गया। लखनऊ में बीबीडी कॉलेज के 23 साल की छात्रा निष्ठा त्रिपाठी की हत्या। बता दें कि बीबीडी कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स की छात्रा थी निष्ठा। लखनऊ के दयाल रेजिडेंसी के एक मकान में हुई ये घटना। अपने दोस्त आदित्य पाठक के कहने पर दयाल रेजिडेंसी के मकान में गई थी छात्रा, जहां देर रात तक दारू पार्टी चली। घर के किचन से शराब की बोतल बरामद हुई। घर में कई युवा पार्टी के दौरान मौजूद मिले। पुलिस आदित्य पाठक समेत अन्य युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी। मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने महिला के गले से चेन छीना। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से अपराधियों की पहचान कर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के नाम अमन और आशीष बताए गए। अपराधी अमन पर 30 मुकदमे पहले से लखनऊ के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। रेहान अंसारी की देखिए अगली खबर। मुरादाबाद में महिला अस्पताल में नाश्ते और खाने को लेकर हुआ हंगामा। अस्पताल कर्मियों पर आरोप है कि उसने एक मरीज के पति की सोने की चेन तोड़ दी है। नाश्ते में सड़े हुए केले मिलने पर हुआ यह हंगामा। उन्होंने खाना दिया, ये सड़ा हुआ केला उन्होंने मुझे दिया। मैं बोली ये सड़ा हुआ केला है, आप केला दूसरा दे दीजिए हमें, ये सही नहीं है। तो वो बोली नहीं, जैसा हमें सरकार देती है हम तो वैसे ही दे रहे हैं आपको। मैंने कहा सरकार गला हुआ केला, गला हुआ सड़ा हुआ खाना या पीने की चीज़ कोई सरकार थोड़ी देगी, ये वो तो सही देगी। हमारे मरीज इस चीज़ को खा के बीमार होंगे। और तो बोली मुझसे बदतमीजी मत करना ज्यादा, अभी यही मारूंगी गिरा गिरा के। मैंने कहा तू ऐसे बदतमीजी कैसे कर लेगी, कैसे मारेगी गिरा गिरा के मारूंगी। और स्टाफ ने मेरे साथ यहाँ पे हाथापाई की है, ये मतलब दिख रहे हैं बटन वटन सब टूटे हुए दिख रहे हैं। मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। चैन टूटी है ऐसे दिखा दो। नहीं चैन 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 डाले मेरी चैन भी टूट गई, देखो इसकी चैन भी टूटी है मेरी। बुलंदशहर में पुलिस के हत्या चढ़ा 10,000 का इनामी बदमाश धर्मेंद्र। कब्जे से चोरी किया हुआ मोबाइल बरामद हुआ। बता दें कि चोरी की घटना में वांछित शातिर पर एसएसपी ने घोषित किया था पुरस्कार। ये थाना खुर्जा नगर जनपद बुलंदशहर द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया। थाना खुर्जा नगर में वर्ष 2022 से वांछित चल रहा चोरी का एक अभियुक्त, जिसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम भी था, उसे बीती रात थाना खुर्जा नगर की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त से चोरी किया गया मोबाइल और अन्य उपकरण भी बरामद किए गए हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है।
अगली खबर की ओर देखिए ब्रिजेश राठौर की फिरोजाबाद। केंद्र सरकार के निर्देश पर भारत भंडारण निगम खरीद कर लाए गेहूँ चावल की उचित व्यवस्था किए हैं। चावल को विशेष गुणकारी बनाया जा रहा है जो विशेष लाभकारी होगा। शिकोहाबाद FCI गोदाम पर गोदाम के अधिकारियों ने प्रेस वार्ता की और विशेष गुणकारी चावल आम लोगों को दिया जा रहा है। रखरखाव की विशेष व्यवस्था की गई। इस चावल को खाने से अनीमिया जैसी बीमारी दूर होगी। का उद्देश्य यह है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाएं जैसे कि NFSA जिसके द्वारा सभी जनता गरीब जनता को PDS में खाद्यान्न वितरण किया जाता है उसके प्रचार प्रसार के लिए ये मीडिया विजिट रखी गई है कि किस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसका लाभ आम जनता तक पहुँच सके। और इसके अलावा जो FRK चावल ऐड किया गया है केंद्र सरकार द्वारा और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महोदय द्वारा 2024 तक सारे चावल जो non-FRK था उसे FRK में कन्वर्ट किया गया है। उसको ज्यादा ज्यादा प्रचार करने के लिए बुलाए आप लोगों को बुलाया गया जिससे जनता को पता लगे कि FRK चावल भी है और किसी प्रकार की कोई भ्रांति ना हो कि चावल में क्या मिक्स हो गया आ रहा है और इसके बहुत फायदे हैं और यही है कि जनता इसको उपयोग करेगी तो उसको लाभ प्राप्त होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनएस टुडे के साथ।